हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता दी। स्टूडेंट्स, बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। और अब जो है बच्चों, हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज 4.1 में हम तीसरे पड़ाव में है। पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाले सम देखे, फिर दूसरे हिस्से में हमने देखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। आज जो सम है उसके अंदर क्वेश्चन में ही बताया जाता है फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। ऐसे एग्जांपल्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास अवेलेबल है, जो फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी वाले एग्जांपल्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा होता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। व्हाट इज एम? तो सबसे पहले हमें एम फाइंड करना होगा। एम इज नथिंग बट इट इज अवर मीन, जिसकी फॉर्मूला होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। जो नॉर्मल हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे बच्चों, मीन फाइंड करने वाली फॉर्मूला वही है। यानी जब भी डेटा दिया जाए, यहाँ पे तो क्वेश्चन में एक्स आई एंड एफ आई ही दिया गया है, तो सीधा ही करना है। अदरवाइज एक और सम अभी देखने वाले हैं 8 नंबर का, उसमें भी हमें यही काम करना होगा। प्रोसेस वही है, खाली प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। बाकी काम तो जैसे हमने काई स्क्वायर में सभी सम्स में किया है वो तो वही रहेगा। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, यहाँ पे जो एफ आई दिया गया है क्वेश्चन के अंदर उसे हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सबसे पहले ये पैरामीटर एम चाहिए। इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, दिस इज 0, दिस इज 90 एंड 9। अब इसका करना पड़ेगा बच्चों में टोटल, ठीक है। कैपिटल एन यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो पहले उसका टोटल कर लेते हैं। 211, 90, 19 एंड 3, सो विच इज एग्जैक्टली 323। तो कैपिटल एन जो है बच्चों वो हमारे पास है यहाँ पे 323, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अभी जो हमने काम किया उसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, तो उसका टोटल कर लेते हैं, तो वो होगा 137। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 137 है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 323, तो आंसर मिलेगा 0.42। अब बच्चों यहाँ पे जो है हम एन की वैल्यू रखेंगे तो एक टेबल, जैसे कि हमें आगे भी हमने ऑब्जर्व किया है टी टेस्ट में टेबल होता है टी का, काई स्क्वायर में काई स्क्वायर का टेबल होता है, वैसे ही ई रेस टू वाली वैल्यूज के लिए हमें एक टेबल दिया गया है, ठीक है। वो टेबल भी मैं आपको बाद में शेयर कर ही चुका हूं, तो देख लेंगे। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेने वाले हैं दो डिजिट में 0.42। और जब हम एन की जगह पे वैल्यू रखते हैं, हमें इस ई टू द पावर माइनस 0.42 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बच्चों। यानी जैसे लास्ट में हमने किया था वैसा ही हिस्सा है। एंड फैक्टोरियल के बारे में तो हम जानते ही हैं, व्हाट इज फैक्टोरियल एक्स, या उसे आप एक्स फैक्टोरियल भी कहते हो। तो ये ई रेस टू माइनस 42 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा दी जाएगी। इस क्वेश्चन में 0.657 दिया गया है, ब्रैकेट में देंगे आपको इसी तरह से, ये वैल्यू आपको खुद ढूंढनी नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल हमें करना है बाद में, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन रेडी है, तो क्यों ना ढूंढ ली जाए प्रोबेबिलिटी, यानी पी ऑफ एक्स ढूंढ लेंगे हम ई रेस टू माइनस 0.42। मैंने पहले भी कहा था आगे कि आप सीधा भी वैल्यू रख सकते हो, या फिर हम जैसे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करके ही दिखाने वाले हैं, दैट इज एन इंटू पी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर वन बाय वन हमें अलग अलग वैल्यूज यानी कि 0, 1, 2, 3 रखना है। मगर बच्चों भूलना नहीं है, वही हमारा पुराना काम लास्ट सम में हमने कहा था। तो चाहे कोई सा भी सम हो, अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास में लेस देन 5 दी जाती है, टोटल 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो मर्ज करना चाहिए उसे। सो 19 प्लस 3 22। एंड एक और चीज है, यहाँ पे हम एक पैरामीटर और कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन यानी कि 1, 2, 3 माइनस वन की जगह पे एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट होता है, हमने कैलकुलेट किया है। तो पॉइसन के लिए बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हो फॉर्मूला होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की स्मॉल एन माइनस टू। स्मॉल एन यानी अगेन याद रखना है कितनी कैलकुलेशन हम काई स्क्वायर में यूज कर रहे हैं, उसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। तो पॉइसन के लिए ये नया पार्ट याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहला काम एक्स की जगह पे वन बाय वन ये वैल्यूज रखनी है। पहला 0 रख देते हैं, तो पी ऑफ 0 ई रेस टू माइनस 0.42 रेस टू 0 एंड 0 फैक्टोरियल
As we know, 0 factorial is always 1. E to the power minus 0.42 की वैल्यू दी गई है हमें 0.657. Anything raised to 0 is always 1. 0 factorial is also 1. So पहली probability हमारे पास ready हो गई है, that is 0.657. अब 323 के साथ इसको multiply करेंगे बच्चों हम जब into 0.657, तो वो हमें answer मिलेगा 212.211, यानी 212.21 लिख देते हैं हम approximately, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, next value के लिए x की जगह पे 1 रखना है, वैसे तो frequency जो है हमारी यहाँ पे integral ही होती है, but हम उसे points में लिखेंगे, जैसा आ रहा है probability का part वैसे ही, round off नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, so e to the power 0.-42, अब हमें रखना है x की जगह पे 1 and 1, 1 factorial की value 1 होती है बच्चों, 0.657 into 0.42, तो 0.657 into 0.42, तो वो मिलेगा हमें 0.27594, so उसे 4 digit में लिखते हैं बच्चों, 2759, so 0.2759 into, हम करेंगे 323, जो कि मिल रहा है 89.12 लिख सकते हैं, approximately 2 digit तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे आगे बढ़ते हैं, x is equal to 2, आखिरी वैल्यू बच्चों probability की जो होगी वो हम 1 minus करके ढूंढेंगे ताकि कहीं पे भी margin of error ना रहे, 0.42, अब x की जगह पे 2 रखना है, power में 2 नीचे 2, 0.657, 2 factorial यानी 2 into 1, अब 0.42 का square करना है, that is 0.1764, so 0.1764 है, into हम करेंगे 0.657, जो भी आंसर आता है बच्चों उसे डिवाइड करेंगे 2 से, यानी ये जो है वो थोड़ा 0.0 में आ रहा है, 0.0579, probability 4 डिजिट में लिखेंगे बच्चों हम, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 323 के साथ, तो वो मिल रहा है हमें 18.70, ठीक है, तो अब इतनी कैलकुलेशन हो जाती है बच्चों, तो लास्ट में ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, इसकी टोटल वैल्यू भी हमें 323 मिलनी चाहिए, तो वो कब होगा आखिरी कैलकुलेशन के लिए, वी नो दैट हम वैल्यू नहीं रखेंगे, 1 माइनस करके काम करेंगे, 1 माइनस p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस 2 तक जाना है, तो हमें ढूंढना है, सो 1 माइनस 0.657 0.2759 0.0579, सो 1 माइनस, अब इनको प्लस कर लेते हैं, 657 प्लस 0.2759 प्लस 0.0579, तो मिला कि हमें मिल रहा है 0.9908, तो उसे 1 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0092, तो ये मिल गया हमें प्रोबेबिलिटी, लास्ट प्रोबेबिलिटी, और अब टोटल करोगे तो नेचुरली हमने 1 माइनस करके ढूंढा है तो एरर नहीं आएगी, और इसी के साथ 323 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2.97, टोटल चेक कर लेगा तो आपको ये पूरा टोटल जो है वो 323 मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें मिलेगा एग्जैक्टली 1, तो इस तरह से टेबल की कैलकुलेशन तो हमारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है बच्चों, अब जो हमें काम करना है फाइनली वो काई स्क्वायर कैलकुलेशन, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यूज सभी हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए हमें यहाँ पे, तो ये पार्ट तो आप कॉपी कर लोगे, काम उतना मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी याद रखना पड़ेगा हिस्सा, सो नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड दैट इज सिग्मा ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 211 माइनस 212.21, स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 212.21, देन सेकंड 90 माइनस 89.12, खास ध्यान रखना है एक और चीज मैं अभी बताने वाला हूँ, भूलना नहीं है हमें लास्ट दो वैल्यू को मर्ज करना है यहाँ पे भी, ठीक है, तो उसका भी टोटल हमें लेना पड़ेगा नेचुरली, ठीक है, तो वो होगा 18.70 प्लस 2.97, तो दैट इज 21.67, ठीक है, तो ये होगा 21.67, बस तो ये प्लस करने वाला पार्ट भूलते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 5 है, इस वजह से ये काम करना पड़ रहा है हमें,
यानी तीन कैलकुलेशन हो पाएगी, 22 minus 21.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21.67, सो बहुत सारे जीरोस मिलते हैं, टेंशन नहीं करने का, चार डिजिट तक लिखने का, 6-9 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, देन 90 minus 89.12 तो 0.88 उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.7744 डिवाइडेड बाय 89.12 तो वो मिलेगा 0.0087, दो डिजिट तक लिख रहा हूं मैं, देन 22 minus 21.67 करेंगे 0.33 उसका स्क्वायर 0.1089 डिवाइडेड बाय 21.67 करेंगे तो वो हमें मिल रहा है 0.0050, ठीक है। अब इन सभी को प्लस कर लेते हैं बच्चों, तो ये हमें मिल रहा है 0.0206, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों वेरिएशन एग्जाम में अगर हो जाए आपके आंसर में तो चिंता नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स में है वैल्यू, तो थोड़ा आगे पीछे तो हो सकता है, उसमें उतना कोई टेंशन करने लायक काम होता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इतनी वैल्यू आ चुकी है, अब जो है हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है, टेबल की वैल्यू भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सो टेबल की वैल्यू के लिए अगर हम सोचते हैं तो टेबल की वैल्यू इसमें आएगी 5.99। सो सबसे पहला तो एट 5% लेवल ना बताया जाए तो हम 5% लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच्चों वैसे है ना एन माइनस के माइनस वन करके फॉर्मूला है, मगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस हुआ है, हमने एम कैलकुलेट किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके भी बताया जाता है कि जब भी कोई पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़े प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, लास्ट में तो पी जो था वो हमें प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली मिली थी बाइनोमियल में दोनों में, इसमें एम के लिए हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम n माइनस 2 लिखेंगे। अब n यानी टोटल गिनना नहीं है, 1, 2, 3, 4 कितनी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे यूज किया, 3, तो 3 minus 2 यानी ये क्या होगा 1, ठीक है, यानी हियर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लॉस्ट ड्यू टू द कैलकुलेशन ऑफ m, ये आपको खास ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए का स्क्वायर टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो है 5.99, एंड हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर टेम्परेचर, एंड ऐसा जब भी होता है तो हम कहते हैं कि H0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है, H0 एक्सेप्टेड हो रहा है, दैट मींस हमारी अजम्पशन, ठीक है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ इसके अंदर अजम्पशन हम लेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा, पहले लिखना है बच्चों हमेशा याद रखना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा, ये हमारी अजम्पशन यानी हाइपोथेसिस होगी, अगर पहले नहीं कहा है तो भी देखो जगह है उस तरह से एडजस्ट करना है, पहले ये लिखना चाहिए, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा, यही हाइपोथेसिस आएगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर रिजेक्ट हो तो हम कहेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट फिट द डेटा, ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं यस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन के लिए ये खास ध्यान रखना है पॉइजन ना हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये एक हो गया है, ऐसा ही और एक एग्जांपल अभी हम देखने वाले हैं जो कि है हमारा सम नंबर 8 इस बुक के इस पीडीएफ के हिसाब से, तो देख लेते हैं आप आखिरी सम हमारे पहली एक्सरसाइज का सम नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें डेटा दिया गया, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो पीडीएफ भी है बुक में भी है, और हाइपोथेसिस में बच्चों हम वही अज्यूम करेंगे जब भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिखा भी है फिट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लिखेंगे ऑलवेज हाइपोथेसिस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स द डेटा। अब यहाँ पे ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास यहाँ पे 1 है 1 है 2 है, 1 plus 1 2 करो 2 plus 2 4 करो तो भी 5 से more than 5 नहीं हो रहा है, यानी हमें मर्ज करनी पड़ेगी ये चार वैल्यूज यानी 10 plus 4, तब जाके हम काई स्क्वायर की कैलकुलेशन कर पाएंगे,
यानी आई स्क्वायर में तीन कैलकुलेशन होगी, एक दो एंड तीन, प्रोबेबिलिटी का काम तो करना पड़ेगा। और एज वी नो की पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो पी ऑफ एक्स यानी ई टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल है, एम यानी हमारे पास फार्मूला है, उस हिसाब से सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन करेंगे। एंड फिलहाल यहाँ पे एन अवेलेबल है, बुक में बताया गया है कि टोटल 700 पेजेस है, ठीक है। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू 700, तो थोड़ा नोटेशन में कंफ्यूजन लगता है तो टेंशन मत करना, 700 हम ले रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल एन लिखो स्मॉल एन लिखो। सो ई टू द पावर माइनस एम, एम के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ आई एंड एक्स आई को, सो 0 70 10 इंटू 2 यानी 20, 3 इंटू 2 यानी 6, 4 इंटू 1 यानी 4, 5 इंटू 1 यानी 5, तो टोटल कर लेते हैं। सो वी हैव 70 प्लस 20, 90 प्लस 6, 96 प्लस 400 एंड 105। सो ये हमें मिलेगा 105 डिवाइडेड बाय 700। सो 105 डिवाइडेड बाय 700 करते हैं तो इट इज 0.15, ठीक है। और वैल्यू जो है ई रेज टू माइनस 0.15 की हमें दी गई है, इट इज 0.8607। अभी मैंने जस्ट नोट किया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में, बुक के अंदर तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एग्जाम में भी वैल्यू इसकी जो है वो दी जाएगी, यस इट इज, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब वही काम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, हमारे पास फॉर्मूला तो रेडी हो गई है, यानी e टू द पावर माइनस 0.15 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल बनेगा हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है एंड फिर तो वही दास्तान है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो काम में कुछ नया नहीं है बच्चों, मगर थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा ही, मार्जिन ऑफ एरर 0% और वैसा ट्राई करने का। सो अब 1/1 हमें रखनी है वैल्यू, लास्ट वैल्यू हम डायरेक्टली जो है वो नहीं रखेंगे, एज मैंने पहले ही बताया हुआ है। सो पी ऑफ 0 ई टू द पावर माइनस 0.15, 0.15 रेज टू 0 एंड 0 फैक्टोरियल, so this is 0.8607 given, this is 1 and 1 again, so pehli value 0.8607, so 0.8607 and hame chahiye expected frequencies, that is capital N into px, so seedha hum n ke sath multiply kar lenge yahan pe, so 0.8607 into n yani 700 hai, to ye hame milega 60.249, I am writing it as 60.25, ठीक है, फिर रख देते हैं 1, so put x is equal to 1, so p of 1, थोड़ी calculation यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी बच्चों, I mean 5 तक जाना है, 4 तक calculate करना पड़ेगा, so 1 factorial, तो it is 0.8607 into 0.15, upon 1 ना लिखो तो भी वैसे चल जाएगा, ठीक है, so 0.8607 into 0.15, तो ये हमें मिल रहा है 0.129105, ठीक है, तो 91 लिखते हैं, चार डिजिट का काम करेंगे, so x की जगह पे आप 2 रख देते हैं, e raise to minus 0.15, 0.15 का square upon 2 factorial, so 8605, 0.15 का square करना पड़ेगा बच्चों, तो it is 0.0225 divided by 2 करेंगे, so into divided by 2, so it is 0.00 आ रहा है, 968, we write it as 97, ठीक है, ज़्यादा zeros आएंगे बच्चों तो हम digit add करेंगे, कोई tension नहीं है, so e raise to minus 0.15 raise to 3 upon 3 factorial, 3 factorial यानि 3 into 2 into 1, so 0.15 raise to 3, यानी अब जो है वो थोड़ा सा सिचुएशन में ध्यान रखना पड़ेगा, 3375 आया 00 into 0.8607 करेंगे, divided by 6 करेंगे तो वो हमें मिल रहा है 000 तक जाना पड़ेगा, 0.000484 है, 48 तक हम लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों। अब दो और कैलकुलेशन करनी है, जिसमें लास्ट तो हम 1 माइनस करके ही करेंगे, एक और कैलकुलेशन, put x is equal to 4, so p4 यानी वैल्यू रख देते हैं, या तो आप पूरा कैलकुलेट कर लो साथ में आराम से इंटू करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अब रख देते हैं, सो 4 रखने से वैल्यू होगी 0.15 raise to 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज 0.8607 इंटू 0.15 रेस टू 4 करना है,
वो मिलेगा हमें 0.000506 डिवाइडेड बाय हमें करना है 24 इनटू हमें करना है 0.8607, जो भी आंसर आता है उसे डिवाइड करेंगे 24 से। तो बहुत सारे बच्चे हो यहाँ पे जीरोज आ रहे हैं तो ऐड तो करना पड़ेगा, 4 जीरो आ रहे हैं उसके बाद आ रहा है 18, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। फाइनली अब हम आ रहे हैं हमारे P5 के पास, 1 माइनस इन सभी का टोटल, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, सो सभी वैल्यूज को माइनस कर देंगे टोटल करके। थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, जीरो ज्यादा है इसी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा तूफानी एग्जाम वाले बच्चों, तो मैंने कहा ही आपको पहले, ठीक है, 4 जीरो 1 जीरो भी प्लस माइनस हो गया बच्चों तो हमारा आंसर खतरे में आ सकता है। तो देख लेते हैं आप टोटल इसका क्या होता है, 0.8607 प्लस 0.1291 प्लस 0.0097 प्लस 0.000048 प्लस 4 बार जीरो आ रहा है, एक बार गड़बड़ हो गई तो फिर चेक करना पड़ता है, इसलिए मैं खुद वही कर रहा हूँ, चेकिंग कर रहा हूँ, एक डिजिट गलत टाइप इंटर हो गया था। तो बहुत सारे नाइन्स आ रहे हैं बच्चों, 9998, ठीक है, तो लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी, इसी वजह से जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों उसमें जब छोटी वैल्यू होती है तो उसको मर्ज किया जाता है, क्योंकि ऐसी वैल्यू से डील करना मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसमें अगर आप देखते हो आंसर में तो 0000 and 2, ठीक है, तो चौथे की वैल्यू में 4 जीरो आए थे, लास्ट वैल्यू में 5 जीरो आ रहे हैं। सोचो अगर ऐसी कैलकुलेशन होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से हमें जो है उसे ऐड किया जाता है, हम ऐड करते हैं, इनटू हमें करना है 700, तो 90.37, ठीक है, देन 0.0097 इनटू 700, दैट इज 6.79, 0.000048 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें 700 को अगेन, तो ये होगा 0.336, 0.40 है, 18 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 700, तो वो होगा 0.0126, एंड लास्ट में आया 5 बार 0 के बाद 2 इंटू 700, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0014, तो मिला कि ये हमें 700 ही मिलेगा, और इसका टोटल हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी का 1। तो बच्चों अब आखिरी काम बाकी है हमारा, यानी आप काई स्क्वायर कैलकुलेटेड के लिए हम तैयार है, प्रोबेबिलिटी सभी रेडी हो चुकी है, यही काम थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब हायर डायमेंशन में हम जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तब, ठीक है। तो अब आते हैं काई स्क्वायर कैलकुलेशन, काई स्क्वायर कैलकुलेटर की फॉर्मूला में, सिग्मा ओआई माइनस ईआई होल स्क्वायर अपॉन ईआई, एंड बच्चों याद है हमें यहाँ पे हमें खास कि 4 को मर्ज करना है, यानी इन 4 को हम मर्ज करेंगे टोटल करके, फिर हमें काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी है, यानी 6.79 प्लस 0.336 प्लस 0.0126 प्लस 0.0014, तो ये हो गया, ये होगा हमारे पास आंसर 7.14, ठीक है, तो 7.14 मिल रहा है हमें, सभी वैल्यूज रेडी है, खाली 3 कैलकुलेशन होगी, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, बच्चों ये एक जो है उसमें मैं करेक्शन कर रहा हूँ, एक पॉइंट में एरर हो गई है, खाली 70 हो गया था, सो 49 होगा, ठीक है। आपको हमेशा जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो, लाइव मैंने यहाँ पे मिस्टेक हुई थी वो करेक्शन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर 616 है तो ये 600 में ही आएगा, डाउट पढ़ना चाहिए कि 60 तो एक जीरो की गड़बड़ है, 70 है तो नजदीक में होना चाहिए, दो डिजिट में है तो, ठीक है, ये 616 था और ये 60.25, तो ऐसा तो हो सकता नहीं, ठीक है, तो ये खास ऑब्जर्व कर लेने का, ठीक है, या फिर एक बार चेक कर लेने का, एंड किया चेक तो गलती पता चल गई एंड करेक्शन भी हो गया, ठीक है। लास्ट है 14 माइनस 7.14 का स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 7.14, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें का स्क्वायर कैपिटेबिलिटी की वैल्यू जो है वो भी हमें ऑब्जर्व कर लेनी है अभी फिलहाल यहाँ से, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि वन ही होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 616 माइनस 602.49 उसका स्क्वायर होगा, तो इट इज 182.5201 है डिवाइडेड बाय 602.49, तो वो होगा हमारा चार डिजिट में लिखेंगे 3029 आंसर पहले का। देन 70 माइनस 90.37 है, तो 90.37 होगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 414.9369 होगा अपॉन 90.37, तो ये हमें मिल रहा है 4.5915, चार डिजिट में लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 7.14 माइनस करेंगे 6.86 आ रहा है, तो इट इज 47.0596 अपॉन 7.14। सो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेटर के वर्क में, खास ये 10 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो का स्क्वायर कैलकुलेटेड है बच्चों, 0.3029 प्लस 4.5915 प्लस 6.5910, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 11.4854। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वही हिस्सा है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना बताया जाए तो 5% ही लेते हैं। सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 2 बता चुका हूँ यहाँ पे मैं, जनरल फॉर्मूला को थोड़ा सा हमने इजी करके लिखा हुआ है, n यानी 1, 2, 3, सो 3 माइनस 2 यानी 1। का स्क्वायर टेबुलेटेड जो है वो है 5.99 टेबल में से, एंड एज वी कैन ऑब्जर्व दैट देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो है का स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन आता है तो हम कह देंगे H0 जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेड, या हम कह सकते हैं इट इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड हो गया दैट मींस जो हमने अज्यूम किया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करेगा डेटा को, इट फिट्स द डेटा, एंड वैसे भी वेरिएशन थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट फिट द डेटा। तो बच्चों ऐसा एक इलस्ट्रेशन 4 आप देख पाओगे इसी पीडीएफ में, इसी बुक के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम करने क्या वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन की अगर बात करें तो उस लेक्चर में हम अब देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, तो वो टेबल वाला पार्ट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो फिलहाल अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम दिस बुक कंप्लीट हो रही है हमारी, और होपफुली आपको ये सभी सब समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस करनी है तो आप अच्छे से कर पाओगे सबको। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।